अंजना सॉन्ग एक्चुअली नीलकंठ जी का लिखा हुआ है, अभी तो उन्होंने मुझे ये सॉन्ग दिया कंपोज करने के लिए। और सॉन्ग बनते में हम लोग बोला कि इसका कुछ बहुत अच्छा वीडियो हम लोग बना सकते हैं, तो हम लोगों ने महेश से बात की, उन्होंने डायरेक्ट किया है। और फिर लोकेशन वगैरह हम लोगों ने राजस्थान में कई जगह पे इसको शूट किया, तो आप देखेंगे। जी, म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, फिल्म्स किए हैं कुछ, अभी पीछे 22 डेज का एक फिल्म आई थी, और जया किरण, अरबाज़ खान और अमित साहब की फिल्म आई थी, वो की थी। म्यूजिक आपको क्या था? जी म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक दोनों। ओके जी। और अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा थिएट्रिकल आया था, देवदास करके प्ले आया था काफ़ी बड़ा, उसका भी म्यूज़िक किया था। तो काफ़ी सारा किया हुआ है। म्यूज़िक वीडियो हम लोगों ने लास्ट ईयर डाला था माही वे करके, वो भी काफ़ी अच्छा चला था, कुछ कवर वर्जन्स भी किए हैं। तो ये ओरिजिनल है, माही वे भी हमारा ओरिजिनल था और ये भी ओरिजिनल सॉन्ग है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। सिंगर के बारे में थोड़ा सा बताएं। रविंदर मल्ला सिंगर है, पंजाब का काफ़ी फेमस सिंगर है, फोक सिंगर है वो। तो उनकी आवाज़ हम लोगों ने चूज़ की क्योंकि उनका टोन जो फोक रहता है, सूफी में फोक का जो टच ही रहता है, वो उनकी आवाज़ में हमको मिला। और उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ वहाँ पे इंडियन आइडल वगैरह में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा ये किया हुआ है, वेरी गुड वॉइस। वीडियो के लिए उन लोगों का सिलेक्शन कैसे किया आपने? एक्टर्स का हम लोगों डांस ने एक्टर थोड़ा ऑडिशन वगैरह किया, ये किया, और पहले भी इन लोगों के साथ कुछ काम किया हुआ है। तो महेश आपको बताएंगे एक्चुअली कैसे हम लोगों ने सिलेक्शन किया, ये डायरेक्टर है, इन्होंने डायरेक्ट हाँ, किया है। वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी ये वीडियो हमने राजस्थान में पूरा शूट किया है, फिर थोड़ा बहुत शूट हमने मुंबई में भी किया है। तो आर्टिस्ट का सिलेक्शन, एक दिन ऑडिशन रखा था तो ऑडिशन में कुछ मिले नहीं, तो हमारे पास थे पहले से ये दो आर्टिस्ट, प्राची और विकास, तो उनको सर ने और हमने सिलेक्ट करके कंटिन्यू उनके साथ शूट किया। और कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे बनाए यहाँ पे ये सॉन्ग में, जो अमिता जी ने बनाए, अमिता दीक्षित। तो राजस्थान में बहुत धूप होता है ना, तो ज़्यादा ब्राइट कलर चाहिए थे, तो फीमेल के जितने भी कॉस्ट्यूम है प्राची के, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कॉस्ट्यूम बनाए थे। हाँ, वो लोग भी अभी यहाँ पे और अटेंड नहीं कर पा हाँ, रहे, वो लोग शूट तो के लिए बाहर शूट गए पे हुए हैं। उनके अच्छे अच्छे शूट चलते जी रहते। हाँ, पोस्टर बहुत शानदार लग रहा है आपका। जी 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 लुक जी जो है जी जी उसका, जी इसके अलावा कुछ नेक्स्ट प्लान भी है आपका परवेश जी? जी आगे हम लोग अभी एक कमर्शियल सॉन्ग बहुत जल्दी शूट करने वाले हैं, तो लेट्स सी इसका रिस्पांस कैसा रहता है। हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि अभी सब कवर ही कवर आ रहे हैं, कवर ही, उसमें कुछ अगर हम ओरिजिनल डाल पाएँ तो हमारी कोशिश है, जी देखते हैं। म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे, कितना सपोर्ट उनका रहा, कैसे आपने अप्रोच किया? काफ़ी सपोर्ट रहा जी म्यूज़िक का पीछे, अभी मेरी जैक एंड दिल जो मूवी थी वो जी म्यूज़िक से ही हुई थी, तो उनसे हम लोग टच में थे, उनको हम लोगों ने गाना भेजा, सुनाया, हम लोगों ने एक दो मीटिंग्स की, और देखते ही उन लोगों ने गाना हमारा अप्रूव कर दिया, उन्हें ऑडियो वीडियो दोनों काफ़ी पसंद आए। महेश जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि इसके अलावा। एक्चुअली मेरा इससे पहले मैंने बहुत सारी मराठी मूवीज़ में एज अ DOP काम किया है, डायरेक्टर में पहली बार सर के साथ काम कर रहा हूँ ये सॉन्ग। तो मराठी में मेरे कुछ 10-12 प्रोजेक्ट हुए हैं, कुछ अभी एक 12 तारीख को एक फिल्म रिलीज़ हुआ मेरा, अभी इलेक्शन के बाद दूसरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, और अभी ये कल 19 अप्रैल को कल ये रांझना का रिलीज़ हो रहा है। तो मेरा बॉलीवुड में डेब्यू है ये सॉन्ग, मतलब हिंदी बॉलीवुड में मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ, मराठी में मेरा चल रहा था, और कुछ और प्रोजेक्ट्स भी अभी हिंदी में आ कर रहा हूँ, पाइपलाइन है सब। परवेश जी क्या कहेंगे प्राची के बारे में, कैसा उनका लुक है और कैसा डांस किया उन्होंने? देखिए इसमें डांस तो है नहीं, सूफी सॉन्ग है, दोनों का ही एक स्टोरी चलता है जो आप लोगों को कल मालूम चलेगा, जो आपको एक जगह से स्टार्ट होके स्टोरी एंड तक जाता एक है, पूरा जर्नी है फिल्म में जर्नी पूरा। है, राइट। तो बाकी दोनों ही एक्टर बहुत अच्छे रहे, बहुत कोऑपरेटिव रहे। हम लोग जब राजस्थान पहुंचे तो हम लोग ऑब्वियसली हम राजस्थान में हम लोग पहली बार शूट कर रहे थे, और हम लोगों को मालूम नहीं था कि हम जहाँ शूट करने गए हैं वो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा गर्म जगह, और हम गर्मी में वहाँ पहुँच गए चुरू। 40 डिग्री के ऊपर वहाँ पे धूप थी, हाँ, तो वहाँ हम पे लोगों की शूट तो करा, हालत ख़राब हो गई थी वहाँ शूट और करने में, बट एक्टर तो बिना चप्पल के थे कुछ कुछ शॉट्स में, सीन्स में, तो उन लोगों ने काफ़ी कॉपरेट किया, बहुत कॉस्ट्यूम्स कॉपरेट वगैरह उनके किया। ऊपर काफ़ी हैवी थे ये थे, बट दोनों ने काफ़ी कॉपरेट किया बहुत अच्छे से, पूरा हम लोगों ने 2-3 दिन राजस्थान दो में शूट तीन किया दिन था, शूट किया राजस्थान में तो अच्छे से दोनों ने हमारा, किया। मतलब राजस्थान जाने, मतलब गए भी हम कार लेके यहाँ से राजस्थान तक गए थे हम दोनों, हाँ तो वो भी जर्नी एक अलग से हमारा।
जाने का आने का। कॉस्ट्यूम्स अमिताभ दीक्षित ने कॉस्ट्यूम्स किए और मनीषा मलिक को अमिताभ ने स्टाइलिंग किया है। दोनों स्टाइलिंग ने, उन किया, लोगों ने भी पूरे टाइम वहाँ ऑन द सेट रह के बहुत मेहनत किया, तो सभी लोगों ने। और स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूँगा सिद्धार्थ का, जिसने एडिट किया, एडिट किया सिद्धार्थ। VFX किए, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। मतलब एक शूट होने के बाद एडिटर के कंधे पे काफ़ी कुछ होता है, जो तो उसने टेबल भी पे जो अच्छा। चीज़ बनती है, मतलब सॉन्ग होता है या फिल्म होता है, जो हम लोग तो शूट करके लाते हैं, लेकिन जो अच्छे तरह से प्रेजेंट कर सकता है, एडिट कर सकता है, तो वो सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से, उनका काम उसने बहुत अच्छा किया, जी अच्छे एडिट कर दिया हमने। प्रवीण जी, आपकी जो आपकी जर्नी रही है बॉलीवुड में, थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि आप कैसे शुरुआत की और अब तक भी कैसा सफर रहा। बॉलीवुड में जर्नी अभी मैं कैसे बताऊं, जैसे हर किसी की होती है, सपने लेके बॉम्बे आ जाते हैं। वैसे ही मैं आ गया था कई साल पहले, फिर धीरे धीरे मेहनत करते 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 कुछ छोटे छोटे गाने, फिर थोड़े और बड़े, फिर थोड़े करते करते अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। बट मेहनत बहुत है, बस एक ही बात है जितना मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में, कि आप अच्छा काम करके दीजिए, टाइम पे काम करके दीजिए और लोगों को चीट मत करिए, तो धीरे धीरे आप इधर कछुए और खरगोश वाला रेस है, आप कछुए की चाल चलते रहेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जय ऐसा है कंट दिल एंड 20 डेज 22 डेज। जी। उसके अलावा भी कई फिल्में की हैं सर, ये पूरा मेरा ही काम है, जितने भी ये लगे हुए हैं सारे ये मेरा ही किया हुआ है। बालाजी के लिए अभी किया हम लोगों ने, सतीश कौशिक जी के साथ एक प्ले किया था बीच में, शेखर सुमन दीप्ति नवल के साथ काम किया, काफ़ी लोगों के साथ काम, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने दोनों। जी चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। या थैंक्स, थैंक्स अ लॉट आप सबका।
Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.